हेलो और वेलकम आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पर हम लेके आए हैं एक अलग और सबसे लीक से हटकर वैकेंसी जो कि इरकोन की, की वैकेंसी है और हाँ मैं आपको बता दूं पहले ही स्टार्टिंग के अंदर ही वीडियो में कि ये जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है स्पेशली चाहे मिनिमम वन ईयर का एक्सपीरियंस क्यों ना हो पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये बहुत ही फायदेमंद वैकेंसी होने वाली है जिसपे बहुत कम लोगों का ध्यान देता है और मुझे लगता है कि सर पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर तो वो हम इसके बारे में बात करेंगे और अभी खेमंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो खेमेन्द्र सर बताएंगे आपको कि इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की हो सकती है तो सर शुरू करें इसको जी सर बिल्कुल शुरू करते हैं इरकॉन की वैकेंसी है और डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सारी ब्रांचेस यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लिए दे रखा है तो स्टार्ट करते हैं सर पहली वैकेंसी से जो कि हमारे पास है यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे पैसा मिलता है एंड इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जो हमारे जेजीएम की जो वैकेंसी के लिए जो एक्सपीरियंस है वो थर्टीन ईयर्स का है जो कि मुझे लगता है कि सर यहाँ मुश्किल से कोई होगा किसी के पास तो थर्टीन ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे और फिर उसके बाद भी अगला वाला जो है मैनेजर पोस्ट के लिए आपको कह दू पहले जो वहां पर था जेजीएम के साथ एक मिनट ये जो जितनी वैकेंसी है जैसे इनके अंदर जो एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए तो रिक्वायर्ड जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा ज़ूम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मुझे लगता नहीं है अभी जो मुझे लगता है कि आपकी काम की वैकेंसी है वो है। ये वाली वैकेंसी है जो आपके काम की हो सकती है सर तो यहाँ पर देखिए एक बार के लिए बच्चों कि आपके <laughs>

एंड सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है तो सर जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो केवल इंटरव्यू बेसिस पे है केवल इंटरव्यू है कोई रिटर्न नहीं है कोई नाटक नहीं सारा अगर आप वहां पे एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप जाइए और इंटरव्यू को आपका एक प्लान इंटरव्यू होगा जिसकी डेट अभी हम बताएंगे तो वो इंटरव्यू देके आना है आपको बस टोटली totally आपके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू चलेगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपका ये कॉन्ट्रेक्ट बेस से सारी कहानी आपको फिर से एक मिनट जैसे राजस्थान के लिए ये रहे रहे है यहाँ पे जो राजस्थान का स्टूडेंट है उसको देखना चाहता है तो थर्टी फाइव तक इसकी मैक्सिम एसती है

होना चाहिए तो इरकॉन कंपनी का अगर एक्सपीरियंस है आपका तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपके रिज्यूम में के अंदर बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ, यहाँ पर होने वाला है सर एक बार साइट्स बताए थे कि इंटरव्यू कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं और किन किन डेट्स पे हो रहे हैं तो ये अगर बच्चों को और बेहतर तरीके से दिख जाए तो बढ़िया तो अगर हम बात करें कि अलग अलग वेस्ट बंगाल क्योंकि आपने ज्यादा दिखा कि जो उसके अंदर वैकेंसीज आई है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए भी है जो स्पेसिफिक स्टेट्स है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल आसाम जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान में जो हमने बताई थी कि आपके थ्री ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आपके लिए राजस्थान के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई थी थर्टी फाइव ईयर्स मैक्सिमम एज के लिए और वहां पर मैं आपको कह दू सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान वाले हैं स्पेशली मुझे लगता है कि जो राजस्थान का कोई बच्चा अगर देखना चाह रहा है तो वो देखना चाहता है कि सर वो डिप्लोमा वाला है या डिग्री वाले है तो तो दिप्लो, डिप्लोमा 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 वाली ये ये वैकेंसी आपकी जिसकी हम बात कर रहे हैं पर तो के के अंदर अंदर अगर आपके मार्क्स से ज्यादा और आपने फिर एक्सपीरियंस आपके पास साल का है तो आपके लिए बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है छोड़ना ही नहीं चाहिए, आपको कर देना चाहिए और राजस्थान वाले थर्टी फर्स्ट जनवरी है तो 30 जनवरी है उसके लिए आपका इंटरव्यू होगा सुबह नाइन थर्टी पे जो आपका एड्रेस है वैशाली नगर के अंदर ये आपको पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी तो आप उससे देख सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बता दू कि वैशाली नगर के अंदर आपका इंटरव्यू वहाँ होगा हो और वो शेड्यूल्ड होगा तो आप एक बार के लिए कर सकते हैं बाकी वेस्ट बंगाल और आई थिंक आसाम वगैरह के भी लिए स्टेट से सर सब में कुछ अलग अलग डेट्स के हिसाब से ये इन्होंने इंटरव्यू स्केड्यूल करे गए हैं एंड नीचे इस पीडीएफ के नीचे ही फॉर्म भी है जिस फॉर्म को आपको फिल करके ले जाना है और वहां पे पहुंच जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तो सर ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी हमारे एंड से तो बच्चों को नमस्कार करते हैं क्योंकि एक्चुअली सब चीजें मैं सिर्फ वही बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के रिलेटेड तो नहीं है लेकिन जो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो सर साथ में पैरल मैंने देखा था कि तैयारी करते वक्त भी पैरल किसी और जॉब को भी कर रहे थे तो वो जो जॉब जो करने वाले लोगों के लिए एक्सपीरियंस वालों के लिए ये वैकेंसी एयरकॉन की तो मुझे लगता है कि उनको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए स्विच करने का टाइम है काफी अच्छी है और यहाँ का एक्सपीरियंस भी काफी आपका अच्छा एडअप होगा और साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ कि जो अलाउंसेस है काफी अच्छा कुछ नहीं देखा है अलाउंस के बारे में भी तो वो भी आपको अच्छे खा मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग काफी फायदेमंद रहा होगा बाकी यहां पर हम आप लोगों से चाहेंगे। धन्यवाद